हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और अपनी यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे मन से और ध्यान लगा के। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है, उस वीडियो में हम रिसोर्स के बारे में जानेंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैं अपनी चैनल पे काफ़ी सारी रिसोर्स की वीडियोस डाल चुकी हूँ कि मैं कौन से सब्जेक्ट के लिए क्या फॉलो करती हूँ। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो ज्योग्राफी रिसोर्स के ऊपर होने वाली है, क्योंकि जियो ऐसा सब्जेक्ट है कि उसके रिसोर्स हमें चुनने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे इकोनॉमी होता है वैसे ही ज्योग्राफी है। इसके रिसोर्स हम कितने भी कम करने की कोशिश करें बट हो नहीं पाते हैं। हमें लगता है कि हम ये पढ़ लेंगे तो हमारा ज्योग्राफी हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। क्योंकि ज्योग्राफी में क्या होता है कि काफ़ी सारी चीज़ें हमें करनी होती हैं। नेशनल पार्क हो गए, बर्ड सेंचुरी हो गई, ये भी एक तरीके से ज्योग्राफी का ही पार्ट हो जाता है। तो हमें मुश्किल होती है कि हम मेंस के लिए और प्रीलिम्स के लिए कैसे अलग अलग करें। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी, आपको प्रीलिम्स फोकस रह के क्या चीज़ पढ़नी है और मेंस के लिए आपको क्या करना है, वो मैं एक अलग वीडियो में लेके आऊंगी। क्योंकि मेंस के जो रिसोर्स हैं उनके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। ये जो मेरी रिसोर्स की सीरीज़ है, ये सारी सीरीज़ हमारी प्रीलिम्स फोकस्ड है। तो मेंस के लिए मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगी सारे सब्जेक्ट रिलेटेड। तो आइए जानते हैं हमारे ज्योग्राफी के रिसोर्स क्या हैं। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और आने वाली वीडियोस के लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और जो मेरी पुरानी वीडियोस हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो प्लीज़ जाके विजिट करें और देखें उसको। उसे पक्का आपको बेनिफिट मिलेगा और आपको अपनी स्ट्रेटजी बनाने में आसानी होगी कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग रिसोर्स बताते हैं, लेकिन आपको अपने खुद के रिसोर्स बनाने हैं। तो उसके लिए आपको किसी एक की स्ट्रेटजी देख के उसके अकॉर्डिंग आपको रिसोर्स अपने चुनने पड़ेंगे। तो आइए देखते हैं मैं ज्योग्राफी के लिए क्या करती हूँ और आप भी क्या फॉलो कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं अपने ज्योग्राफी के रिसोर्स और हमें ज्योग्राफी के लिए क्या फॉलो करना है। आपको इससे ज़्यादा ज्योग्राफी में कुछ नहीं फॉलो करना है, ये इनफ है आपके ज्योग्राफी की प्रिपरेशन के लिए। अगर आप इससे बाहर जाते हैं तो आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा और वो फिर आप कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतने रिसोर्स ही रिविज़न करना काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए आप खाली जो मैं आपको बता रही हूँ आप इसी पर स्टिक रहें और इन्हीं को पढ़ें। ओके, तो आइए देखते हैं अपना फर्स्ट रिसोर्स हमें ज्योग्राफी के लिए क्या यूज़ करना है। तो हमारा जो सबसे पहला है वो है एटलस। एटलस मैं ऑक्सफर्ड की यूज़ करती हूँ। मार्केट में और भी एटलस आती हैं, काफ़ी टॉपर सजेस्ट करते हैं, और बट मैं इसको परचेज करके ले आई थी, इस वजह से मैं इसे यूज़ करी। ये भी बहुत अच्छी है एटलस। तो आपको सबसे पहले तो एक एटलस लेनी है ज्योग्राफी के लिए, ये देखिए। और एटलस में आपको एक काम करना है कि एटलस जैसे आप पहले नॉर्थ करिए, फिर साउथ करिए, फिर ईस्ट, फिर वेस्ट, आपको ऐसे डिवाइड करके एटलस करनी पड़ेगी। आप साथ में नहीं कर पाएंगे कुछ भी एटलस। तो देखिए, जैसे मैंने इसमें मैप बना के रखे हुए हैं, जब मैं पढ़ती हूँ उसको ऐसा मैं मैप में बना लेती हूँ कि मुझे मैप थोड़ा इजी रहता है पढ़ना। तो ये देखिए, आप ऐसे बना सकते हैं इसको। उसके बाद में मैंने नोट भी बनाया हुआ है कि कहाँ पे कौन सी पीक है, कौन से माउंटेन पे। तो आप ऐसे ही, जैसे ट्रांस हिमालयंस की जो पीक है वो मैंने ऐसे लिखा हुआ है, उसके बाद में ग्रेट हिमालयंस की जो पीक है स्टेट वाइज वो मैंने नोट्स में लिखा हुआ है। तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं अपना पूरा पास, कहाँ पे कौन कौन से हैं वो भी आप लिख सकते हैं, मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। तो आप जितने भी पेज एटलस में है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। इसमें वर्ड का भी है, तो आपको एटलस ऐसी लेनी है जिसमें इंडिया और वर्ड दोनों का हो। तो फर्स्ट रिसोर्स हमारा एटलस है। उसके बाद में हमारी एनसीईआरटी आती हैं। बहुत लोग खाली एनसीईआरटी ही करते हैं प्रिपरेशन के लिए, बट मैंने एनसीईआरटी के साथ में जीसी लियोंग भी परचेस करी थी। इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छे से चीज़ें समझाई हुई हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने पढ़ी हुई है वैसे एक दो बार अभी। तो यूनिवर्स और अर्थ इसमें अच्छे से समझाया हुआ है आपको, जो इसमें इमेजेस भी दी हुई हैं। एनसीईआरटी में इतनी इमेज नहीं है, इसमें अच्छे से कलर्ड वे में आपको सारी चीज़ें समझाई हुई हैं। तो आप जीसी लियोंग पढ़ सकते हैं, बट अगर आपके पास टाइम हो तो, नहीं तो आपको सिर्फ एनसीईआरटी ही फॉलो करनी है ज्योग्राफी के लिए। जो हमारे पास चार एनसीईआरटी 11th और 12th की, यही इनफ है। तो अगर आपके पास टाइम है जीसी लियोंग पढ़ने का तभी पढ़ें, नहीं तो आपको सिर्फ एनसीईआरटी ही रीड करनी है। तो ये एनसीईआरटी आपको करनी है। तो जो 11th क्लास में हमारे पास दो एनसीईआरटी है, एक फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरी है इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट। तो आपको दोनों पढ़नी है, लेकिन फर्स्ट पहले आपको ये रीड करनी है। फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे आपके इससे, लेकिन इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो आप स्किप कर सकते हैं, जैसे ज्योग्राफी एज डिसिप्लिन।
तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आपके पास टाइम है तो आप पढ़ें, लेकिन आपको दूसरे से स्टार्ट करना है, द अर्थ से स्टार्ट करना है, और सबसे पहले आपको यही बुक पढ़नी है, क्योंकि इससे आपके सारे फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे। जैसे इसमें अर्थ, लैंडफॉर्म, क्लाइमेट और वाटर जितने फंडामेंटल्स हैं इन सब के, वो इसमें समझाए गए हैं। तो आपको पहले ये वाली बुक रीड करनी है, उसके बाद में आपको सेकंड बुक ये रीड करनी है। इसमें फिज़िकल एनवायरनमेंट हमारा जो इंडिया का है और वर्ल्ड का, वो अच्छे से समझाया हुआ है। तो मैप प्लीज़ इंक्लूड करें, इसमें मैप कहीं कहीं पर दिए हुए हैं बट आपको मैप इंक्लूड करने पड़ेंगे। ये देखिए मैंने भी इसमें मैप बनाया हुआ है, ये हमारे ग्रेट ओशन रिज हैं, कहाँ कहाँ पर हैं ओशंस में, वो मैंने ऐसे ड्रॉ करा हुआ है। आप इसको ऐसे ड्रॉ करके उसके बाद में, जैसे मैंने यहाँ पे मिड अटलांटिक ओशन रिज लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे ऐसे इसको मेंशन कर सकते हैं। तो आप जब बुक में जाएंगे ना, तो सीधा आप मैप ओपन करके देख लें, तो आपको एक बार रिवाइज हो जाएगा। और आपको शॉर्ट नोट तो इंक्लूड करने ही है, क्योंकि शॉर्ट नोट इंक्लूड करे बिना आपकी रिवीजन नहीं होगी। तो आपको शॉर्ट नोट सब में लिखने हैं और उनको इंक्लूड करना है, और अच्छे से आपको बुक इस पूरी रीड करनी है। कुछ चैप्टर आप स्किप कर सकते हैं, बट वो देख लीजिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से आपको देखना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। उसके बाद में हमारे पास है 12th की NCERT ह्यूमन ज्योग्राफी, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। इसमें जो हमारा मेंस का GS3 है उसका काफ़ी सारा पोर्शन है इकोनॉमी रिलेटेड, और ज्योग्राफी रिलेटेड भी इसके अंदर सारा, बहुत सारा कंटेंट दिया हुआ है। तो आप इसको, इसके अंदर जो डाटा वगैरह हैं, मिनरल्स और ये सब चीज़ें आपको इस बुक के अंदर मिलेंगी। तो आपको ये चारों बुक जो हैं वो आपको ज्योग्राफी के लिए सिर्फ पढ़नी है। अगर आपके पास में टाइम बचता है तो उसके बाद में आपको GC लियोंग करनी है, नहीं तो आप GC लियोंग को स्किप कर सकते हैं। बट GC लियोंग स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है, क्योंकि हमें NCERT के साथ में स्टैंडर्ड बुक पढ़नी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप सिर्फ NCERT करें, क्योंकि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सिर्फ लोग NCERT ही फॉलो करते हैं, स्टैंडर्ड बुक इसकी बहुत कम लोग फॉलो करते हैं। तो आपको ज्योग्राफी के लिए सिर्फ इन्हीं रिसोर्स पे स्टिक रहना है, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, और हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय, और आपको रिसोर्स यही फॉलो करने हैं। अगर आप किसी और के रिसोर्स भी फॉलो करते हैं तो सिर्फ उन्हीं को फॉलो करना है, आपको 3-4 लोगों को रिसोर्स नहीं फॉलो करने हैं। ओके गाइस, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।